हर गांव, हर तहसील, हर विधानसभा, जिला, कस्बा सब जगह घूम रहे हैं और जन विरोधी नीतियाँ जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में रही है उनको जनता के बीच लेके जा रहे हैं और इसलिए लेके जा रहे हैं कि जनता फैसला करे कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में अभी है इसने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, गरीबों को, ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, मजदूरों को क्या दिया है। पिछले 5 साल में वो लोग आगे बढ़े, 4.5 साल में पिछड़े और मैं आगरा में हूँ, यहाँ का जो चमड़ा उद्योग है, जूता बनाने का काम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज हालात देखिए सरकार जो है एक तरफ तो चाइना का विरोध चलती है, दूसरा चाइना का माल खरीद के जो है यहाँ सब चीज चल रही है और यहाँ का एक बड़ा तबका, सारे यहाँ के कारखाने बंद है। तो मैं आज आगरा में आऊँ, यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्या जानेंगे और उनके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। अभी हम लोग सरकार में नहीं, विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज उठाएंगे, उनकी लड़ाई को साझी लड़ाई बना के सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो फिर इन परेशानियों को जड़ से खत्म करेंगे कि जनता के हित में काम हो और जनता को एक अच्छी सरकार मिले। अब आप जब पहले से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नीले झंडे के साथ है तो इस दल की जरूरत क्यों पड़ी? स्वर्णों की अपनी जो है कई कई पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप कभी उनसे भी ये सवाल पूछा कीजिए कि भाई उन्हें क्या जरूरत पड़ी नई पार्टियां बनाने की। हम अपना काम करें, लोकतंत्र सबको अधिकार है ना, जरूरत इसलिए है कि 12 में वो लोग सरकार नहीं बना पाए, 14 में नहीं बना पाए, 17 में नहीं बना पाए, 19 में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अब 22 आ गया, 22 के बाद कब तक जनता इंतजार करती रहेगी। ये लोकतंत्र है, सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई पार्टी बनाए या अपना काम करे। भाई ने बोला भीम आर्मी 24 घंटे साथ भाई ने हल्के से बीच हो जाओ। आपको लगता है आप बताइए 12 में क्यों नहीं बनी सरकार, 17 में तब तो हम नहीं थे। सिर्फ भाई ऊपर कर लो, मोबाइल ऊपर कर लो, सड़क पर मेहनत करनी पड़ती है, चुनाव के समय वोट मांगने जाना कुछ नहीं होता। कल सरोज पासी नाम के एक साथी की हत्या हुई आजमगढ़ में और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वर्कर बारिश में धरने बैठे होते, अपनी मांग मनवा के उस परिवार को न्याय दिला, पूरे 5 साल लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम अपनी ड्यूटी अदा करें, जनता तय करेगी, अब जनता विकल्प जो अच्छा काम करेगा उनके मुद्दों में सिद्धांतों को उसको आजाद समाज पार्टी अकेले लड़ेगी यूपी में या किसी के साथ? देखिए ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं भीम आजाद समाज पार्टी के और ये भीम आर्मी के, जो हमारे लीडर्स तय करेंगे हम उस पर काम करेंगे। मैं तो आजाद समाज पार्टी लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, आप अखिलेश जी के साथ आपकी मुलाकात हुई है? देखिए लोकतंत्र में किसी से मिलना या किसी से बात करना कोई गलत बात नहीं है। आपके पास कोई ऐसा फोटो तो दिखाइएगा। मैं तो आपको सीधी बात कहता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा और कल जो देखा हमने, ये कट्टा बम जो है ये वही सुने थे बंगाल में, लेकिन ये तो यहाँ भी आ गए। तो वहाँ जब बीजेपी के लोगों पर हमला होता था तो लोकतंत्र की हत्या थी, वो सत्ता का दुरुपयोग था। यहाँ जब कल यहाँ बहनों का चीरहरण हो रहा है, ये सत्ता के भूखे लोग, बीजेपी के लोग जिनको महिला, ये कहते हैं महिला बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो कल इनके गुंडे सारे आम महिलाओं को जो है यहाँ उनका चीरहरण कर रहे थे, तब कहाँ गया मुख्यमंत्री? तो ये नारे जो है ना, खोखले नारे, इससे काम नहीं चलेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। रोज और ऐसी सरकार क्या फायदा इसमें होता है? कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और अगर जहाँ गई है तो बीजेपी के नेताओं के चौखट में जो है कानून दम तोड़ चुका है, इसको वापस ले लो। मैं उत्तर प्रदेश को इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा ये तो बात की बात, लड़ूंगा ये हमारी लीडरशिप तय करेगी, जैसा हमारी यहाँ की यूनिट तय करेगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। मैंने फिर कहा कि मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे इन लोगों ने अभी आगे बढ़ाया, कल ये कहेंगे कुछ और काम करो तो वो भी करेंगे। तो आज यहाँ, कल मध्य प्रदेश जाएंगे, वहाँ आदिवासी पाँच भाई परिवार कहते हैं ये पूरे, तो इसलिए हमारा काम बनाने का हम करेंगे। अरे यार मान जाओ यूपी में चुनाव, तो इसलिए क्या तो सीमा पे तनाव होता है या मंत्रिमंडल का फेरबदल होता है? जनता देख रही है, 4.5 साल क्या दिया और ये झुंझुनू से जनता नहीं मानती, उन नेताओं का भी जनता कितना भरोसा करती है अब देख लीजिए। तो उनके खेमे में बैठे गए लोग जनता क्या मदद करेंगे जब सरकार में पहले नहीं की 4.5 साल में, तो जनता जवाब देगी। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई जिनमें 6,000 दलित पिछड़ों के पद खा गए बीजेपी सरकार, तो कौन सा नेता था जो लड़ाई लड़ रहा था? जाकर अभ्यर्थी जा रहे हैं अपने हक मांगने के लिए तो लाठियां मिल रही है, नौजवानों को रोजगार कौन देगा? कोरोना काल में
जो ये सारे ये बंद हो गए कारखाने, 1000 रुपए मुख्यमंत्री देते हैं परिवार को, बड़े बड़े ढकोसले पीटते हैं प्रधानमंत्री भी, 1000 रुपए से एक महीने में कितने लोगों का भोजन तैयार हो जाएगा, ये निकम्मापन, जनता माफ नहीं करेगी। चंद्रशेखर जी, पिछले आप जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप मीडिया के लोग ही बता दें क्या 1000 रुपए से एक आदमी एक महीने राशन खा लेगा, ये तो पूरे परिवार को दे रहे हैं, ये धोखा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर जी, पिछले 14 सालों में 3 सरकारें आ रही हैं, आप बेस्ट सीएम, बेस्ट सरकार किसको मानते हैं बहन जी, अखिलेश जी या योगी आदित्यनाथ? सब वो सब अपनी अपनी जगह में अच्छे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग पूछो के बता देंगे। मुझे लगता है कि जब हमें मौका मिलेगा हम काम करके साबित करेंगे कौन अच्छा कौन भाई। दूर हो ना, जो भी दल शुरू हुआ था, देखिए अगर आप बात करेंगे तो मैं सच बता दूंगा आपको, जब बीएसपी स्टार्ट हुई थी ना, BS4 के बाद 500 वोट एक एक विधानसभा में मिलते थे, तो जब कोई दल शुरू होता है तो उसको कोई छोटा बताता है, कोई बड़ा बताता है, कोई कुछ बताता है। मान्यवर काशीराम साहब को CIA का एजेंट कहा करते थे लोग, ये तो जो लोग सफलता नहीं पहुंचा पा रहे वो हमारे पंचायत चुनाव में भी जनता ने वोट दिया और हमने जब उपचुनाव लड़ा बुलंदशहर में तो हम 3rd नंबर पर गए, तो जनता का समर्थन था, जनता बनाती जनता बिगाड़ देती, कौन क्या है कौन किसका एजेंट है तो जनता तय करेगी। मैं बहुजन समाज का एजेंट हूँ और बहुजन समाज के लिए अपना खून पे के खतरा लगा सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ, और कोई नेता देगा तो। पिछले दिनों आपने एक चैनल पर कहा था कि जैसे आप अपने रावण नाम लिखते थे, आपने कहा कि कोई रावण बोलेगा तो मैं FIR कराऊंगा, इसके ये तो मैंने 2 साल पहले भी कहा था, जो जिस चैनल देखे जिस तरह का चैनल होता है उस तरह की बात होती है, आप अच्छे लोग हैं आपसे अच्छी बात हो रही है, नाम से कुछ नहीं होता काम से होता है, मुझे मेरे नाम से जानते हैं काम से बताइए। हाँ तो अब काम से जानिए, आप नाम छोड़िए काम से जानिए, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ ये कोरोना में यहाँ जो हॉस्पिटलों में हुआ जितने लोग जान गई है ये मौत नहीं हत्या है, इसकी जिम्मेदार सरकार, अगर वो 1.5 साल में अच्छे हॉस्पिटल बनाती, आप 3 CMO के बारे में पूछ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बने होते तो क्या ये हालात होगी। मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी, मुझे लगता है हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे और हम मैदान में 40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश साइकिल यात्रा निकाल के जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ, और उसके साथ 52% OBC को 27% आरक्षण घोटालेबाजी क्यों, गरीबों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भूमि क्यों नहीं दी जा रही है, ये तमाम तरह के मुद्दे, नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, SC ST OBC के लिए प्रमोशन रिजर्वेशन, हिंदी में हम अपनी बात जनता के पटल पर ले जा रहे हैं, जनता न्याय करेगी और 2022 में आपको वो देखने को मिलेगा जो अब तक आप चाहते हैं। वो हमेशा इसी मुद्दे पर स्वागत है उनका, वो हिंदुत्व पे लड़ेंगे और हम लड़ेंगे रोजगार पे, एजुकेशन पे, कोरोना में जो भयावह हाल हुआ उत्तर प्रदेश का उस पे, फी प्रमोशन पे, रिजर्वेशन पे, जिस 100% रिजर्वेशन पे जिसकी इतनी संख्या हमारे उसमें उसकी हिस्सेदारी। बहुजन समाज की राजधानी आगरा है, आगरा की धरती से बहन जी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अरे मेरी कार्यकर्ता थोड़ा ही कोई जिनमें संदेश दूंगा, वो तो हमारी बड़ी नेता रही है, हम जनता को संदेश देंगे कि आगरा है, आगरा में ताकत है, आगरा का जो नाम दूर दूर तक है वो आगरा आजाद समाज पार्टी को एक पहचान दे, मौका दे, और अगर आगरा के लोगों को शिकायत मिलेगी तो आगरा के लोगों की शिकायत सुनने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल बड़ी नेता हूँ, कौन मना कर रहा है, हमेशा रहेंगे, मैं तो आज भी आज तक मैंने कोई सब खिलाफ नहीं कहा, लेकिन मैंने क्या कहा है कि हमारे मतभेद अपने माता पिता से भी हो सकते हैं, ये अधिकारों की लड़ाई है। आपने एक बार कहा था कि बहन जी मुझे आजादी कर दी भाई। नहीं मैंने नहीं कहा, ये भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए यार, तुम्हारी अभी 5 मिनट जब तक मीडिया से बात होगी आपके इशू पे तब तक कोई नहीं बोलेगा यहाँ, और सब लोग जो है अनुशासन में चलेंगे, कोई भी मोटरसाइकिल वाला साइकिल वालों के आगे
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।